सिंचाई सुविधा के लिए समय पर पानी न मिलने के कारण पल घाटी का किसान परेशान है। घाटी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए भूमि संचित करने हेतु ट्यूबवेल स्थापित किए हैं, मगर संबंधित विभाग द्वारा इन ट्यूबवेलों का संचालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप किसानों की फसल तबाह होने की कगार पर है, जिसका जीता जाता उदाहरण मंडी जिला की मुस्लिम बहुलीय डोगराई पंचायत है, जहां एक ट्यूबवेल ऐसा है जिसका संचालन जैन इरिगेशन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस ट्यूबवेल में पानी की कोई कमी नहीं है, मगर जैन इरिगेशन के कर्मचारियों का कहना है कि यहां बिजली का लोड कम है, जिसकी वजह से बिजली की क्षमता कम होने के कारण जैन इरिगेशन के कर्मचारी नियमित रूप से पंप हाउस की मोटर चलाने में असमर्थ हैं। या यूं कहें कि जैन इरिगेशन के कर्मचारियों ने बिजली की क्षमता कम होने के कारण नियमित रूप से मोटर चलाना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बिजली बोर्ड के कर्मचारी बिजली का लोड पूरा होने का दावा कर रहे हैं और जैन इरिगेशन कंपनी पर जानबूझकर मोटर ना चलाने के आरोप लगा रहे हैं। पंप ऑपरेटर की मोटर समय पर ना चलने के कारण किसानों की फसल भी तबाही की कगार पर है, जिससे किसानों में गहरा रोष पनप रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाए, ताकि सिंचाई के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। गौरतलब है कि पंप हाउस तो मात्र एक उदाहरण है, बालघाटी में ऐसे कई पंप हाउस और सिंचाई योजनाएं हैं जिनका सुचारू रूप से ना चलने के कारण किसानों को नकदी फसलों में सिंचाई करने में भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। मंडी पंप हाउस की मोटर समय पर ना चलने से किसानों की नकदी फसल भी खराब हो रही है। सोलन में 7A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें भाजपा नेता राजेश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री MN सोफत विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। MN सोफत ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल से जहां प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है, वहीं शरीर भी स्वस्थ रहता है। नेताओं को जब बोलने का मौका मिले तो स्थान चाहिए, जो भी हो उनके निशाने पर हमेशा विपक्ष रहता है। तो यहाँ भी MN सोफत ने पार्टी का नाम ना लेते हुए कांग्रेस के नेताओं पर कई प्रहार किए और कहा कि आज कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और अपने हार का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ रही है। सोफत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनेताओं को खिलाड़ियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब खिलाड़ी मैदान में हारता है तो वे हार का दोष रेफरी पर नहीं जड़ता बल्कि अपनी हार को स्वीकारता है। इसलिए राजनेताओं को भी अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और दोषारोपण नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि काफी समय बाद MN सोफत की भाजपा में वापसी हुई है। उनकी वापसी से किसको क्या फायदा होगा और किसको क्या नुकसान, इस बात का खुलासा जल्द ही हो जाएगा। लेकिन सोफत के राजनीति में फिर से सक्रिय होने से और उनके जिला सोलन में बिसात बिछाने से कई राजनीतिक धुरंधरों की नींद जरूर उड़ गई है। यही नहीं, कांग्रेस नेता भी उनकी इस वापसी को हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं कि सोफत भी राजनीति में उच्च श्रेणी के खिलाड़ी हैं। मंडी में अनिल शर्मा की बीजेपी के कार्यक्रम में कुर्सी ना मिलने और उन पर कार्रवाई के मामले को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा आज भी बीजेपी के विधायक बने हुए हैं। अनिल शर्मा का जो मामला है वे सभी के ध्यान में है। उन्होंने लोकसभा चुनावों में पार्टी को लेकर जो काम नहीं किया है उस पर पार्टी आने वाले समय में कार्रवाई करेगी।
सतपाल सत्ती ने कहा कि हिमाचल में 20 जून को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के विधायक और एमपी और सभी पदाधिकारी शामिल होंगे और वहां पर अनिल शर्मा का मामला भी रखा जाएगा। इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इनका हल भी निकालने का प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के समीप एक होमगार्ड के जवान ने एक छोटी सी बच्ची को बुरी तरह से बेरहमी से पीटा। इस पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। होमगार्ड के जवान ने कानून की परवाह किए बगैर डंडे से उस बच्ची की पिटाई की। ये बच्ची श्रद्धालुओं को भीख मांगने के लिए तंग कर रही थी और श्रद्धालुओं के हाथों से पैसे छीन लेती थी। जब ये बच्ची यात्रियों को भीख के लिए तंग कर रही थी तो होमगार्ड के जवान ने इसे भगाया और फिर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि छोटी सी बच्ची को जिस तरह से डंडे से पीटा गया उसका वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मंदिर के होमगार्ड के इंचार्ज विवेंद्र गोल्डी ने इस वीडियो की पुष्टि की है।